स्टूडेंट्स आज आप अपनी बुक काम डाउन क्लास टू के स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है कोडिंग इन ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर काउंटिंग को लिखना या एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है ये आज आपको मैं गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले परवरदिगार से दुआएं हैं कि रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में चलते हमारे मुल्क से इस दुनिया से इस वबा कोरोना को ख़त्म कर दे। परवरदिगार मुसलमानों को इस वबा से बचा ले। परवरदिगार रहम करम फरमा आमीन सुम आमीन। प्यारे स्टूडेंट्स जैसा कि मेरा टॉपिक है पुटिंग इन ऑर्डर, पुटिंग इन ऑर्डर के अंदर असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है, असेंडिंग नंबर कौन से हैं और डिसेंडिंग नंबर कौन से हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बिफोर और आफ्टर को समझना होगा। बिफोर और आफ्टर क्या चीज है, जब हम चल रहे होते हैं तो जो स्टेप हमारा पहला स्टेप के बाद टू स्टेप होता है, स्टेप टू हमारा आफ्टर है, स्टेप वन हमारा बिफोर है। यानी जो पहला हम स्टेप लेते हैं वो पहला नंबर बिफोर कहलाएगा पहला, और आफ्टर उसके बाद वाला स्टेप टू कहलाएगा। या दूसरे मामले में हम एग्जांपल दे सकते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग में जब हम लिखते हैं तो हम वन से स्टार्ट करते हैं, आप वन से काउंटिंग लिखते हैं, आपने लिखी है मैंने आपको लिखवाई वन से लेकर हंड्रेड तक। तो ऑर्डर के अंदर लिखना ये असेंडिंग कहलाता है। यानी सबसे पहले आप छोटा नंबर लिखते हैं काउंटिंग के अंदर, पहला नंबर क्या है वन, पहला नंबर क्या है वन काउंटिंग के अंदर, पहला नंबर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट फिर नाइन फिर टेन आगे चलते जाएंगे। ये आपकी काउंटिंग कहलाएगी असेंडिंग। यानी ऑर्डर के अंदर लिखना, आपके ऑर्डर के अंदर लिखने को हम काउंटिंग भी कहते हैं और असेंडिंग नंबर कहलाएंगे। ये असेंडिंग नंबर है, असेंडिंग नंबर। और इसकी मिसाल मैं आपको समझा दूं कि वन जो है छोटा है टू से, वन इज स्मॉलर देन टू, वन इज स्मॉलर देन टू, वन छोटा है वन इज स्मॉलर देन टू, वन छोटा है टू से। यानी फर्स्ट है इसकी कैसे मिसाल, आपका बड़ा भाई, आपका बड़ा भाई है ये बड़ी बाजी है, जब वो आपके साथ खड़े होते हैं ऐसे खड़े होंगे आप, तो आप छोटे से तो आप छोटा अपने आप में नंबर वन काउंट कर लें और अपने भाई को या अपनी बहन को नंबर टू काउंट कर लें, तो आपसे बड़ी बहन आपकी नंबर टू भी आ जाएगी और नंबर वन भी आप हो गए। ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर लिखने को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फर्स्ट करें वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वन इज स्मॉलर देन टू, यानी पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। स्टेप टू जो है बड़ा है स्टेप वन से, यानी आप आगे वाला स्टेप ये क्या कहलाएगा आफ्टर या डिसेंडिंग कह रहे है ना। तो टू इज ग्रेटर देन वन, टू जो है बड़ा है वन से, टू बड़ा है वन से, टू बड़ा है वन से, टू बड़ा है वन से, और वन छोटा है टू से। वन इज स्मॉलर देन टू, टू इज स्मॉलर, टू इज ग्रेटर देन वन, टू इज ग्रेटर देन वन, दो बड़ा है वन से या टू बड़ा है वन से, ये आपका डिसेंडिंग कहलाएगा। टू इज डिसेंडिंग वन इज असेंडिंग। फर्स्ट करें बिफोर और आफ्टर। अगर आपने काउंटिंग में लिखा तो कहूं कि 28 से पहले कौन सा नंबर है, 28 से पहले कौन सा नंबर है 27, या 28 से बिफोर कौन सा नंबर है 27, और अगर मैं ये कहूं 27 के आफ्टर कौन सा नंबर है 28, तो ये बड़ा है 27 से, 28 बड़ा है 27 से, ये आपका आफ्टर नंबर कहलाएगा और ये आपका बिफोर नंबर कहलाएगा।
27 smaller than 28, 28 is smaller or greater than 27, 28 greater than 27, 27 is smaller than 28. समझ में आई बच्चों? इधर उधर नहीं देखें, गौर से सुनें, गौर से देखें, बोर्ड को देखते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी मिसाल हम और आपको समझा सकते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं, कभी आपने छक्का मारा हो? मारा होगा, बहुत जोरदार छक्का मारा होगा। अच्छा, जब छक्का मारते हैं तो जो बॉल जो छत पे कभी चली जाती है, आप कभी गली में खेल रहे होते हैं तो छत पे चली जाती है, तो छत पे जाने के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, है ना? आप डायरेक्ट जंप मार करके तो छत पे नहीं चले जाते, कभी हुआ ऐसे? नहीं। तो जहाँ आप खड़े हैं, आपके घर में आपकी छत है, तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपको बॉल लानी है, और बॉल लाने के लिए सबसे पहले आप जिस पॉइंट पे खड़े हो वो पॉइंट जीरो कहलाएगा। वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? जीरो। जीरो के बाद आप स्टेप वन पे गए, वन के बाद टू पे गए, टू के बाद थ्री पे गए, गए ना? बड़ी एहतियात से जाना है आपने, शरारत नहीं करनी मामले में। स्टेप वन पे चढ़े, फिर स्टेप टू पे गए, फिर स्टेप थ्री पे, फिर फोर, फिर फाइव। ये क्या हुआ? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी वन से आप गए टू पे, टू से थ्री पे, थ्री से फोर पे, फोर से फाइव पे जा रहे। आपकी जो बॉल वहां पड़ी हुई है वो आपने उसको पिक किया। बॉल को पिक करने के बाद ये जो स्टेप आपने चढ़े, ये क्या कह रहा है? ऑर्डर में गए आप, वन से डायरेक्ट थ्री के स्टेप में नहीं गए, आपने जंप नहीं मारा, आपने वन से टू के स्टेप में गए, गए ना? टू के बाद थ्री पे गए, ये आपका ऑर्डर कहलाएगा कि आपने ऑर्डर में स्टेप चढ़ते गए। वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, स्टेप जाके आपने लास्ट में बॉल ली, ये क्या कहलाया? असेंडिंग ऑर्डर। यानी आप फर्स्ट स्टेप में जाएंगे तो सेकंड में जाएंगे। समझ में आ रही है? वह बच्चों आपने वापसी नहीं होनी, आपने बॉल उठा के वापिस नहीं आना है। आएंगे कि नहीं आएंगे, या वहां ही खड़े रहेंगे, या वहीं से आपने अगर दोस्तों अपने साथियों को अपने जो खेल रहे हैं आपके साथ आपने उनको बॉल फेंकी, लेकिन आपने वापसी भी तो आना है। अब जब वापसी आएंगे आप, तो जहां जिस पॉइंट पे आप खड़े रहे वो पॉइंट था फाइव। वो कौन सा पॉइंट था? पॉइंट फाइव, स्टेप फाइव, स्टेप फाइव स्टेप था, लास्ट वाला स्टेप था। आप लास्ट स्टेप से वापस आपने नीचे उतरने, नीचे उतरने के लिए आप फाइव से डायरेक्ट वन में नहीं जाएंगे। अगर डायरेक्ट वन में जाएंगे तो खुदा ना खास्ता आप ऐसे करेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है, आप रॉन्ग वन। अगर आप डायरेक्ट फाइव से वन में जाते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? फाइव के बाद आप स्टेप फोर में आएंगे, नीचे उतरना है आपने, नीचे उतरने के लिए आप फाइव के बाद फोर पे, फोर के बाद थ्री स्टेप, थ्री के बाद टू स्टेप, टू के बाद वन, वन से आप जीरो पॉइंट पे, आप अपने पॉइंट में उतर आएंगे जाएंगे। इस ऑर्डर में या बड़े नंबर से नीचे वाले नंबर में आने को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बड़े नंबर से नीचे नंबर तक आने के लिए स्टेप बाय स्टेप, फाइव से पहले फोर, फोर से पहले थ्री, थ्री से पहले टू, टू से पहले वन, या फाइव के बाद आप फोर स्टेप पे जाएंगे, फोर के बाद थ्री स्टेप पे जाएंगे, थ्री के बाद टू पे, टू से वन पे। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या है? यानी आपने नीचे उतरने के लिए पहले आप बड़े नंबर पे खड़े हुए थे, बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आए, छोटे से थ्री पे, थ्री पे टू पे, टू से वन पे। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ रहे? डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गई? तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? पहले कौन सा स्टेप? जहां पे आप पढ़े थे फाइव लिखा, फाइव से आप फोर पे आए आपने फोर पे लिखा, फोर से आप थ्री पे आए आपने थ्री लिखा। देख रहे हैं मेरी तरफ बोर्ड पे देखे बॉक्स से, थ्री के बाद आपने टू लिखा,
टू के बाद आपने वन लिखा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसऑर्डर, हम डिसऑर्डर कह सकते हैं। ऑर्डर में निकले को हम असेंडिंग कहेंगे, यानी ऑर्डर में आप जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो वो ऑर्डर में काउंटिंग कहलाती है, अगर आगे पीछे लिखेंगे तो वो डिसऑर्डर हो जाएगी। तो डिसऑर्डर काम नहीं करना, ऑर्डर में काम करना। लेकिन मैथ में डिसेंडिंग भी है वो डिसऑर्डर कहलाएगी। डिसऑर्डर तो में हम पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, लास्ट नंबर था वन। बच्चों समझ में आई है मेरी बात? अगर समझ में आई है तो फिर होम टास्क आप करेंगे। होमवर्क आपका है पेज टू एक्सरसाइज पेज नंबर टू एंड थ्री, या आपकी समझ नहीं आया पेज नंबर टू एंड थ्री बुक काम डाउन टू पेज नंबर टू एंड थ्री। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पेज पे करेंगे, जो मैंने समझाया अगर सही समझ में आया तो फिर सही फीडबैक देंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूँ, आपने अपने ब्रदर से बाबा से मामा से नहीं काम करवाना, ठीक है? करेंगे ना ऐसे? ये जरूर याद रखें कि ये आज का टॉपिक बड़ा अहम है, सारे टॉपिक अहम है, लेकिन तवज्जो के साथ आप अगर करते रहेंगे तो बेहतरीन है। दी बेस्ट पर्सन।